हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला कलेक्टर पोसवाल ने किया आरके अस्पताल का दौरा, सभी व्यवस्थाएं पार्षदी हो, इलाज के लिए समुचित प्रबंध, 20 ऑक्सीजन बेड बनाए जाएंगे। इतने ही नहीं, नर्सिंग कार्मिक होंगे, 6 अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड भी लगेंगे, एडमिशन के लिए डेस्क। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने कहा कि जिले के मुख्य अस्पताल में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाए, साथ ही चिकित्सालय की सभी व्यवस्थाएं पार्षदी हो, वो यहाँ कोरोना रोगियों के लिए चिकित्सा के संपूर्ण व समुचित प्रबंध किए गए हैं, जिन्हें आगे और भी विस्तार देने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कलेक्टर पोसवाल ने आज शुक्रवार को जिले के मुख्य चिकित्सालय आरके अस्पताल का कोरोना महामारी के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वो आम जन को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को विस्तार देने के उद्देश्य से निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ बैठक में ये प्रभावी निर्देश दिए। चिकित्सा अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक, एडमिशन डेस्क बनेगी प्रभारी डॉक्टर सतीश सिंगल, 20 ऑक्सीजन बेड बढ़ाने व 20 से 25 नर्सिंग कर्मी लगाने के निर्देश, 6 अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड लगाने के आदेश। बैठक में उन्होंने अस्पताल प्रशासन के साथ मैराथन बैठक लेते निर्देश दिए कि रोगियों की भर्ती के लिए एडमिशन डेस्क बनाया जाए, जिसके प्रभारी डॉक्टर सतीश सिंगल को बनाया गया है, इससे कि नर्सिंग कर्मचारी अपने स्तर पर बेड अलर्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि किसी प्रकार का इसमें पक्षपात व अव्यवस्था उत्पन्न ना हो पाएगी। उन्होंने अस्पताल में 20 ऑक्सीजन बेड और बढ़ाने के साथ आगे उन्हें 150 बेड तक ले जाने और 20 से 25 नर्सिंग कार्मिकों को लगाने व चिकित्सालय में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 6 गार्ड लगाने के निर्देश दिए, जिसके आदेश जारी हो गए हैं। रोगियों के लिए 5 टेम्पररी ऑक्सीजन प्वाइंट लगेंगे। जिला कलेक्टर ने इस अवसर पर कहा कि जब तक रोगी को भर्ती किया जाता है, तब तक के लिए 5 टेम्पररी ऑक्सीजन प्वाइंट बनाए गए, जिससे कि रोगी को भर्ती करने पर लगने वाले समय में उनको कोई समस्या नहीं हो। कोविड पॉजिटिव प्रसूति महिलाओं के लिए अलग वार्ड बनाए, जिला कलेक्टर ने कोविड पॉजिटिव प्रसूति महिलाओं के लिए अलग वार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए, जिससे कि ऐसी महिलाओं को कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही उन्होंने वहां कार्य कर रहे कार्मिकों के बारे में जानकारी ली और कहा कि मरीजों के एडमिशन के लिए एक ही प्रभारी अधिकारी हो, जिससे कि मरीजों को भर्ती करने में ज्यादा परेशानी ना हो। इसके साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा, उपलब्धता और वितरण की जानकारी दी। इसके साथ अस्पताल में प्रवेश और बाहर के रास्ते के लिए, साथ ही कोविड वार्ड में रोगी के साथ एक ही व्यक्ति के लिए कोविड प्रसूति महिलाओं का अलग वार्ड बनाने, व्हीलचेयर मरीजों को भर्ती, मृत्यु, इलाज, रेमडेसिविर इंजेक्शन रेफर और रोगी आदि की जानकारी ली। उन्होंने इस अवसर पर आ रही समस्याओं का निराकरण व कमियों को दूर करने के प्रयास पर बल दिया। नगर परिषद सभापति अशोक नाग ने भी चिकित्सालय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी व चिकित्सालय में और बेहतर सुविधाएं देने के प्रयास पर बल दिया। इस अवसर पर PMO डॉक्टर ललित पुरोहित ने उन्हें चिकित्सालय की समस्त व्यवस्थाओं, कार्यों, समस्याओं आदि की जानकारी दी। चिकित्सालय का किया निरीक्षण। उन्होंने इससे पहले आर के चिकित्सालय का नगर परिषद सभापति अशोक नाग, नाथ द्वारा उपखंड व नोडल अधिकारी अभिषेक गोयल, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी की टीम के साथ कोविड आइसोलेशन, ICU वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट सहित पूरे चिकित्सालय का घूमकर निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति अशोक टांग, उपखंड अधिकारी नागपुर द्वारा अभिषेक गोयल, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ललित पुरोहित, डॉक्टर सोनी, डॉक्टर सिंगल, डॉक्टर कृपा शंकर सहित विभाग के अन्य कार्मिक मौजूद थे। जागरूक टीवी की राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारुत की रिपोर्ट।